हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सोने के बिस्किट का लालच देकर दो महिलाओं से सोने के जेवरात व नकदी ठगी कर हुई फरार, सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। सुमेरपुर उपखंड के तख्तगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में इन दिनों दिन दहाड़े लुटेरी महिला गैंग सक्रिय हो गई है, जहां कस्बे के पादरली प्याव से रामदेव गली निवासी दो महिलाओं को सोने के बिस्किट देने का लालच देकर दोनों महिलाओं से दिन दहाड़े सोने के जेवरात व नकदी ठगी कर फरार होने का सनसनीखेज मामला शुक्रवार को सामने आया है। मामला चार दिन पुराना बताया जा रहा है। शुक्रवार को पुलिस थाना तख्तगढ़ पहुंचते ही पुलिस ने तुरंत सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगालने पर दोनों लुटेरी महिलाएं कैमरे में कैद हो गई हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर रोडवेज बस स्टैंड सहित विभिन्न जगहों पर लगे कैमरों को भी खंगालना शुरू कर दिया है। उक्त दोनों महिलाओं ने गोदावरी के घर बैठकर एक छोटा सा सोने का बिस्किट बताकर देने के बदले में सोने का झुमका तथा मंगलसूत्र एवं 20,000 नगद और मेरी सहेली से भी जेवरात व नकदी लेकर फरार हो गई। 9 फरवरी को 3 बजे उनके जाने के बाद सहेली के बेटे ने बिस्किट को देखा तो नकली निकला। अब घर में इस घटना को लेकर किसी के कानों तक बात नहीं गई और शुक्रवार को प्यारी देवी ने पुलिस थाना उपस्थित होकर घटना की वास्तविक जानकारी दी, जिस पर पुलिस ने तुरंत कैमरों के फुटेज देखते ही 9 फरवरी को दोपहर को 12:46 और 37 सेकंड पर पादरली प्याव पर दोनों का हुलिया नजर आया। उक्त घटना के दौरान दोनों लुटेरी महिलाओं ने अपने हाथ में दूध लेकर गोदावरी के घर पहुंची और चाय बनाकर पिलाने की बात कही, जिस पर गोदावरी ने कहा, मैं बाहर के दूध की चाय नहीं पीती। बात को टाल कर वही दूध कुत्ते को पिला दिया और कुछ ही देर में कुत्ते की मौत हो गई, जब तक लुटेरी महिलाएं निकल चुकी थी। यदि इसी दूध की चाय बनाकर सभी महिलाएं पीती तो ना जाने इन दोनों सहेलियों का बुरा हाल कर पूरा घर साफ कर जाती। थाना अधिकारी निर्भय खत्री ने बताया कि प्रांतीय की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए प्यारी देवी महिला इन्होंने ये कहा, देखो घी देंगी, घी घी देंगी, एक होना बिस्किट देंगी, एक नहीं का सोरा आते तो फिर हम सोजी रसिका भेजी देंगी, बाद में का कह रहे हमारे पास होना मंगलसूत्र लेंगी, झूमर लेंगी, मैं पिया लेंगी 20,000। जागरूक टीवी के लिए सुमेरपुर से तरुण रावल की रिपोर्ट।